नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। जल्लीकट्टू आंदोलन अब हिंसक हुआ। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू को लेकर प्रदर्शन अब हिंसक हो गया है। जल्लीकट्टू के समर्थन में सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। तमिलनाडु में पुलिस ने विरोध प्रदर्शन का केंद्र बने मरीना बीच समेत राज्य भर में विभिन्न प्रदर्शन स्थलों से सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को सोमवार को खदेड़ना शुरू कर दिया। कुछ जगहों पर पथराव करने और लाठीचार्ज करने की भी रिपोर्टें हैं। जल्लीकट्टू विवाद खत्म हो गया है, लेकिन प्रदर्शन अब भी जारी है। बीते 7 दिनों से प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी जल्लीकट्टू विवाद का स्थायी हल चाहते हैं। मरीना बीच पर सोमवार तड़के पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई। बीच की ओर जाने वाली सड़कों की घेराबंदी कर दी गई और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने समुद्र के किनारे मानव श्रृंखला बना ली और वहां से हटने के पुलिस के आग्रह से इनकार करते हुए प्रदर्शनकारियों का एक समूह समुद्र में उतर गया। कुछ अन्य प्रदर्शनकारी वहां धरने पर बैठ गए, जबकि अन्य आसपास के इलाकों में एकत्रित हो गए, नारेबाजी करने लगे और पुलिसकर्मियों पर कथित तौर पर पथराव भी किया। पुलिस ने मरीना बीच के समीप त्रिपली कैन में फिर से इकट्ठा हुए और कथित रूप से पथराव करने वाले प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज किया। चेन्नई के अलावा कोयम्बटूर, अलंगनल्लूर, थामकुम में भी प्रदर्शन जारी है। जानकारी के अनुसार चेन्नई में कई जगहों पर आगजनी की गई। मरीना बीच के निकट थाने के वाहनों में भी आग लगाई गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख खबरों पर। अब वायुसेना के जवान का वीडियो आया। अफसरों और जवानों की सेवा शर्तों में अंतर को लेकर उठाया सवाल। उच्चतम न्यायालय ने कोयला घोटाले मामले में सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच का आदेश दिया। कांग्रेस के पूर्व विधायक कृष्ण हेगड़े और बॉलीवुड अभिनेता दलीप ताहिल भाजपा में शामिल। उत्तर प्रदेश में नेताओं के परिजनों को टिकट देने पर लालू पुत्र तेजस्वी यादव का नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष। तुर्की सेना के हमले में सीरिया में आईएस के 65 आतंकवादी मारे गए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।